आज हमारे दौरे का 9वां दिन था। आज हम गंगटोक से रोंगली जा रहे हैं। हमने साफ मौसम और तेज धूप में सवारी करना शुरू किया। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। साफ मौसम और ठंडे वातावरण में पहाड़ की घाटियों से होते हुए एक के बाद एक बाइक चलाने का अनुभव बहुत ही असाधारण रहा। अब हम चंगू झील की ओर जा रहे हैं, जो गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इसे सोंगमो झील के नाम से भी जाना जाता है। 3,780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील का पानी पास की हिमानियों मतलब ग्लेशियर से आता है। सोंगमो झील सिक्किम पर्यटन के दिलचस्प आकर्षणों में से एक है। चारों तरफ धुंध से ढका वातावरण, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंड से कपकपाता यहाँ का मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठंड के मौसम में जहाँ इसका पानी पूरी तरह से बर्फ के रूप में जम जाता है, वहीं गर्मी के मौसम में यह खिले हुए फूलों से घिरा होता है। इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के बाद हम भारत चीन सीमा पर नाथुला दर्रे की ओर चल पड़े। चंगू झील से नाथुला दर्रा लगभग 16 किलोमीटर दूर है। नाथुला दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक, हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन को जोड़ता है। आता आम्ही नाथुला पासला आलेलो आहोत। 14,410 फुटावरती हा जो आहे हे बॉर्डर आपली आहे, ऑपोजिट साइडला आहे। तिथे ऍक्च्युअली शूटिंग करायचं नाही म्हणून आपण ऑपोजिट पाशी घेतोय। तिथून पलीकडची बॉर्डर जे आहे चायना बॉर्डर आणि अलीकडच्या बाजूला इंडिया पोस्ट अशी ही बॉर्डर आहे। भारत तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,140 फीट ऊपर स्थित नाथुला देश के सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रों में से एक है। हम नाथुला पास आए हैं। यहाँ का फीट है 14,140 फीट और यहाँ से आगे फोटो की समाना है। आप भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छा जगह है। नाथू का अर्थ है सुनना कान और ला का अर्थ है पास। 20वीं सदी में यह सड़क सिक्किम और तिब्बत के बीच फर, उन तथा मसालों के व्यापार का मुख्य मार्ग हुआ करती थी। आज इस मार्ग से भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है, इसलिए इसे भारत चीन सीमा के रूप में भी जाना जाता है। नाथुला पास से 9 किलोमीटर नीचे की तरफ जाने पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर स्थित है। रास्ते में हमने बाबा हरभजन सिंह के दर्शन किए।
इस मंदिर के प्रति सैनिकों की अटूट आस्था है। बाबा हरभजन सिंह को शहीद हुए 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। बाबा से जुड़ी कई मान्यताएं भी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह मरणोपरांत भी भारत चीन की सीमा पर तैनात है। वो आज भी मां भारती के वीर सपूत होने के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। सिक्किम के लोग मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह चीन की गतिविधियों पर आज भी नजर रखते हैं और जब भी चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है वो किसी भारतीय जवान साथी के सपने में आकर इस बात की जानकारी दे जाते हैं। मौसम बहुत ही ठंडा है, इसलिए सभी बाइकर्स ने चाय का आनंद लिया और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। उबंटू बाइकर्स के दौरे की कहानी जोखिम भरे ढलानों और सड़क के दिलचस्प मोड़ के साथ जारी है। कुछ समय बिताने के बाद हम रोंगली में अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। उसके बाद हमने भारत के सबसे प्राचीन मार्ग में एक मार्ग पर बाइक राइड का आनंद लिया। यह रोड था ओल्ड सिल्क रूट। यह उत्तरी सिक्किम में चुंबी घाटी और नाथुला दर्रे को पार करते हुए ल्हासा से पश्चिम बंगाल के बंदरगाह तुमलुक तक था। प्राचीन भारत में 900 किलोमीटर का यह रेशम मार्ग सबसे प्रतिकूल माना जाता था और अभी भी है। सड़क जो हेयरपिन मोड़ से भरी हुई थी निर्माणधीन थी, जिससे हमारी सवारी काफी चुनौतीपूर्ण हो गई थी। सर्द हवा, अनगिनत मोड़ और धुंधली सड़कों पर गाड़ी चलाना स्वर्गीय आनंद था, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि कब रास्ता खत्म हुआ और कब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हम पहाड़ी की तलहटी में एक छोटे से गांव रोंगली में रुके। इसमें कोई शक नहीं कि आपको हमारा आज का सफर पसंद आएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई मंजिल के साथ। शुक्रिया।